गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर नंबर 604 मां जे चौथा यूनिट छे यूनिट नंबर 4 प्लांट पिगमेंट्स। तो पेपर 604 यूनिट 4 ने आ छे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने टॉपिक छे प्लांट पिगमेंट्स। प्लांट पिगमेंट्स इन्हें कहवाय वनस्पति जन्य वर्णको। वनस्पति वर्णको तो कुदरत अथवा कुदरती उद्भव स्थान माथी मळता रंगी संयोजनो ने शू कहेवामां आवे छे कुदरती वर्णको। आ कुदरती वर्णको क्यांथी ओरिजिन थाय क्यांथी आ मळे एने कहेवामां आवे छे कुदरती वर्णको। तो कुदरती उद्भव स्थान माथी मळता रंगीन संयोजनो ने शू कहेवामां आवे छे नेचरल पिगमेंट्स अथवा कुदरती वर्णको। कुदरती वर्णको अथवा नेचुरल पिगमेंट्स। नेचुरल पिगमेंट्स अथवा एम कही सकिए सजीव सृष्टि माथी मळता रंगीन संयोजनो ने सजीव सृष्टि माथी मळता रंगीन संयोजनो ने कुदरती निपजो वर्णको कहे। सजीव सृष्टि एटले शुं थाय लीविंग मैटर अथवा ऑर्गेनिज्म। लीविंग मैटर तो आमां सजीव सृष्टि में हो सके वनस्पति प्लांट्स अथवा प्राणी। तो आपणे कुदरती वर्णको एटले कही सकीए छे कुदरत ना कोष माथी उत्पन्न थता सजीव सृष्टि में उत्पन्न थता रंगीन संयोजनो ने कुदरती वर्णको कहे छे। एने प्राप्त उद्भव स्थान अथवा क्यांथी प्राप्त था तो वनस्पतिना कोषमांथी उत्पन्न थता रंगीन संयोजनो ने वनस्पति जन्य वर्णको कहे छे। तो आ जे छे बे प्रकारना छे कुदरती कुदरती वर्णको उद्भव प्राप्त स्थान क्यांथी प्राप्त थाय तो आ बे प्रकारना होय। आ छे वनस्पति जन्य अथवा वनस्पति ज वर्णको अथवा प्राणी जनी अथवा प्राणी वर्णको। प्लांट पिगमेंट्स अथवा एनिमल पिगमेंट्स। प्लांट पिगमेंट्स
अथवा एनिमल पिगमेंट्स। तो वनस्पति वर्णों को कोने कहवाय, वनस्पति ना कोष में उत्पन्न थता रंगीन संयोजनों ने वनस्पति वर्णों कहेशे। दाखला तरीके आम उदाहरण आवे, दाखला तरीके कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स ने कैरोटीनॉइड्स में लखी सकते हैं कैरोटीन। आमा कैरोटीन में आवे अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, कैरोटीन अने क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो प्राणियों ना कोष में उत्पन्न थता रंगीन संयोजनों ने प्राणियों ना कोष में उत्पन्न थता रंगीन संयोजनों ने शु कहेवामां आवे छे, प्राणिज, प्राणीजन्य वर्णको ने। एनु उदाहरण छे जे आपणा शरीर मां भी आ लाल रंग नो होय, एनु नाम छे हिमोग्लोबिन, हिमोग्लोबिन। तो આવી રીતે ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય, કુદરતમાંથી ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય, તો આવે પ્રાણી અને વનસ્પતિ જન્ય વર્ણકો બે પ્રકારના છે। હવે વનસ્પતિ વર્ણકો નો વર્ગીકરણ આપણે જોઈએ, કેટલા વર્ણકો ઉપરોક્ત બંને પ્રાપ્તિ સ્થાનોમાં પણ મળી આવે છે। દાખલા તરીકે કેરોટીનોઇડ્સ, વનસ્પતિમાં કેરોટીનોઇડ્સ એસ્ટર અથવા પ્રોટીન સંકેન રૂપમાં કાલીલ્ય અથવા કોલોઇડલ આલંબન અથવા સસ્પેન્શન તરીકે હાજર હોય છે, અને પ્રાણીમાં તેઓ ચરબીમાં દ્રાવ્ય અને પ્રોટીન સાથે સંયોજાયેલા અથવા જોડાયેલા હોય છે। વનસ્પતિ વર્ણકો નું વર્ગીકરણ, નું વર્ગીકરણ નીચે પ્રમાણે બે રીતે થાય છે, બે રીતે થાય છે। સૌ પ્રથમ વનસ્પતિમાં પ્રાપ્તિ સ્થાન ને આધારે, પ્રાપ્તિ સ્થાને આધારે રબર એનું વર્ગીકરણ થાય। એને બીજું છે બંધારણીય એકમને આધારે વર્ગીકરણ। સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ વનસ્પતિમાં પ્રાપ્તિ સ્થાને આધારે વર્ગીકરણ આ બે પ્રકારના છે। પ્લાસ્ટિડ વર્ણકો એટલે વનસ્પતિના પ્રોટોપ્લાઝમ અથવા એને કહેવાય જીવરસ વિભાગમાંથી અથવા મળતા રંગીન સંયોજનોને પ્લાસ્ટિડ વર્ણકો કહે છે। એ વનસ્પતિ માં પ્રાપ્તિ સ્થાન ને આધારે વર્ગીકરણ તામાં આવે છે। સૌ પ્રથમ પ્લાસ્ટિક
वर्णको प्लास्टिक वर्णको तो प्लास्टिक वर्णको वनस्पति ना प्रोटोप्लाज्म शू लखवानो छे अथवा प्रोटोप्लाज्म माने केवाय जीवरस विभाग माथी मड़ी आवता रंगीन संयोजनों ने शू कहेवामां आवे छे प्लास्टिक वर्णको कहे छे तो वनस्पति ना प्रोटोप्लाज्मिक अथवा प्रोटोप्लाज्म एने कहेवाय जीवरसमांथी मळी आवता रंगीन संयोजन ने प्लास्टिक वर्णको कहे छे दाखला तरीके केरोटीनोइड्स में आवे अल्फा केरोटीन बीटा केरोटीन गामा केरोटीन अने क्लोरोफिल अने बीजू छे रस द्रव्य वर्णको जेने कहेवामां आवे छे सेप पिगमेंट्स सेप पिगमेंट्स तो वनस्पति ना कोष रस मां शू लखवानुं छे कोष रस जेने कहेवाय सेल सेप वनस्पति ना कोष रस मां द्राव्य स्थिति मां रहेला रंगीन संयोजनो ने शू कहेवामां आवे छे रस द्रव्य वर्णको बराबर तो अने उदाहरण छे एन्थोसायनिन दाखला तरीके एन्थोसायनिन जे लाल अने अथवा ब्लू वा भूरो अने एन्थोजेन्थिन जे आछो पीरो तो तेओ आ बदा क्या होय तेओ फूल अने रसदार फळो दाखला तरीके बेरीस मां कुदरती ग्लाइकोसाइड तरीके मळी आवे छे आ जे रसद्रव्य वर्णको छे तेओ फूल अथवा फ्लावर अने रसदार फळो मां रसद्रव्य वर्णको छे तेओ फूल अथवा फ्लावर ने रसदार अथवा शू कहेवाय जूसी फ्रूट्स मां दाखला तरीके बेरीस मां कुदरती रीते ग्लाइकोसाइड तरीके मळी आवे छे હવે આપણે બી જોઈએ બંધારણીય એકમ ને આધારે વનસ્પતિ વર્ણકો નું વર્ગીકરણ બી આપણે જોઈએ બંધારણીય એકમ ને આધારે બંધારણીય એકમ એટલે સ્ટ્રક્ચરલ યુનિટ ને આધારે વર્ગીકરણ
नीचे प्रमाणे छे। सौ प्रथम ए पॉलीवर्णको पॉलीन पिगमेंट्स तो त्रण थी वधु एकांतरिक द्विबंध धरावता एटले एने शुं कहेवाय त्रण थी वधु द्विबंध अथवा एकांतरिक द्विबंध धरावता एने कहेवाय कॉन्जुगेटेड प्रणाली। हाइड्रोकार्बन अथवा तेमना ऑक्सीजन व्युत्पन्नो नी श्रेणी थी बनता संयोजनों ने पॉलीन वर्णको कहे छे। त्रण थी वधु द्विबंध धरावता हाइड्रोकार्बन अथवा तेमना ऑक्सीजन व्युत्पन्नो नी श्रेणी ना संयोजनों ने पॉलीन वर्णको कहे छे। दाखला तरीके तमने ख्याल छे कैरोटीनॉइड्स एमां आवे अल्फा कैरोटीन बीटा कैरोटीन गामा पर कैरोटीन ये तमने ख्याल छे गाजर मां होय। बी पायरन अथवा पायरिलिनियम वर्णको पायरन अथवा पायरिलिनियम पिगमेंट पायरोन वर्णको रोज आपणे जोईए छे कि शाकभाजी छे फळो छे फूल होय ए बधा रंगीन होय तो एमां कोई पण कोषमां एना कोषमां उत्पन्न थता रंगीन संयोजनोने वर्णको कहे छे। पायरोन वर्णकोमां तेओमां गामा पायरोन बंधारणे एकम जे बेन्झो पायरोन तरीके हाजर होय छे। गामा पायरोन गामा पायरोन बंधारण एकम जे बेन्झो बेन्झो गामा पायरोन तरीके हाजर होय छे। एटले पायरोन एटले छ सभ्य वाळु विषम चक्रीय संयोजन। रोन एटले शुं थाय कीटो ग्रुप आवे आ छे गामा पायरोन। आने कहेवाय पायरान ने आ छे पायरोन। यहाँथी नंबर आपीए तो आ छे अल्फा बीटा गामा ने चौथा स्थान तो आने कहेवाय गामा पायरोन। बेन्झीन साथे आठ समूह जोड़ायेला होय संकलित होय त्यारे एने कहेवाय बेन्झो गामा पायरोन। તો આને કહેવામાં આવે છે બેન્ઝો ગામા આ હાજર હોય અને આનું ઉદાહરણ છે દાખલા તરીકે
जेनु बंधारण पुरवार करवानु छे फ्लेवोन फ्लेवोन फ्लेवोनोल बधानु बंधारण पुरवार करवानु छे अने आइसो फ्लेवोन वर्णको आ बधायनु उदाहरणो छे। पछी डी डी पायरोल वर्णको पायरोल वर्णको पायरोल पिगमेंट्स तेओमा बंधारणी एकम तेओमा बंधारणी एकम शु हशे पायरल होय पायरोल ने उदाहरण छे क्लोरोफिल आ हशे उदाहरण छे क्लोरोफिल क्लोरोफिल ई क्यूनोन क्यूनोन अथवा क्यूनोनॉइड क्यूनोनॉइड वर्णको तेओमा बंधारणे एकम क्यूनोन अथवा क्यूनोनॉइड अथवा पैरा बेंजो क्यूनोन होय छे। आ बंधारणे एकम होय माने कहेवाय क्यूनोन अथवा पैरा आ चौथा स्थान पर छे एटले कहेवाय पैरा बेंजो न्याय आवे तो ऑर्थो मेटा ने आ छे पैरा क्यूनोन ने तुमे बहुचक्रीय संयोजनों में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एमां त्रण बेन्झीन आवे ए गणी चूक्या छो। दाखला तरीके एलिजेरीन लोसोन अने रेपेनोन रेपेनोन वगैरह ने लास्ट बंधारण एकम प्रमाणे एफ लास्ट इंडोल वर्णको इंडोल वर्णको इंडोल पिगमेंट्स बंधारण एकम होय छे बेंजो पायरोल बेंजो जेने कहेवाय इंडोल बेंजो पायरोल जेने कहेवाय इंडोल जे तमे बीएससी सेमेस्टर 4 માં બીએસસી સેમેસ્ટર
जे तमे बीएससी सेमेस्टर टू मां अगत्यना कार्बनिक संयोजनोनी बनावट ने उपयोग में भणी चूक्या छो ने अत्यारे मेहंदी अथवा आमळा साथे सफेद वाल ने काळा करवा माटे वपराय, उदाहरण छे इंडिगो, वेश्यानी में वपराय, इंक में पण वपराय छे, नाम छे इंडिगो। तो आ साथे वनस्पति वर्णको एटले शू, वनस्पतिना कोष रसमां उत्पन्न थता रंगीन संयोजनोने वनस्पति वर्णको कहे छे। दाखला तरीके गाजरमां छे कैरोटीनॉय, पांदड़ामां छे क्लोरोफिल वगैरह। अने वनस्पति वर्णकोनु वर्गीकरण बे रीते थाय, सौ प्रथम छे प्राप्ति स्थान आधारे, अने बीजू छे बंधारणीय एकम ने स्थारे आधारे। प्राप्ति स्थान ने एक छे प्लास्टिक वर्णको जे प्रोटोप्लाज्म विभाग माथी मळी आवे छे, अने बीजू छे रस द्रव्य जे रस माथी जे कोष रस माथी द्राव्य स्थिति मा फूड मा अथवा रसेदार फळो मा होय, एने कहेवाय रस द्रव्य, एंथोक्सेंथिन ने एंथोसाइनिन वगैरह। ना बंधारण एकम ना आधारे एनु हजी पांच प्रकार छे। सौ प्रथम पायरन, पछी पायरोन, पछी पोलिन, पछी पायरोल, इंडोर अने क्यूनोन अथवा क्यूनोइड बंधारण। आवजो